नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे विदेशी विनिमय दर, विदेशी विनिमय दर, फॉरेन एक्सचेंज रेट। विनिमय दर वह दर है जिस पर एक देश की मुद्रा इकाई का दूसरे देश की मुद्रा में विनिमय किया जाता है। विनिमय दर वह दर है जिस पर एक देश की एक मुद्रा इकाई का दूसरे देश की मुद्रा में विनिमय किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं विदेशी विनिमय दर ये बताती है कि किसी देश की मुद्रा की एक इकाई के बदले में दूसरे देश की मुद्रा की कितनी इकाइयां मिल सकती है। अतः विनिमय दर घरेलू मुद्रा के रूप में दी जाने वाली वह कीमत है जो विदेशी मुद्रा की एक इकाई के बदले में दी जाती है। हम कुछ परिभाषाएं लेते हैं। जैसे शेट्स के अनुसार के अनुसार चलन मुद्राओं के परस्पर मूल्यों को ही चलन मुद्राओं के परस्पर मूल्यों को ही विदेशी मुद्रा की विदेशी मुद्रा न विदेशी विनिमय कहते हैं। अतः शेयर्स के अनुसार चलन मुद्राओं के परस्पर मूल्यों को ही विदेशी विनिमय कहते हैं। दूसरी परिभाषा हम लेते हैं क्रांतर के अनुसार। क्रांतर के अनुसार विनिमय दर एक देश की इकाई विनिमय दर एक देश की इकाई एक देश की इकाई मुद्रा के बदले दूसरे देश की के बदले दूसरे देश की मुद्रा की मुद्रा की मिलने वाली इकाइयों की माप है। मिलने वाली इकाइयों की माप है। अतः विनिमय दर एक देश की इकाई मुद्रा के बदले दूसरे देश की मुद्रा की मिलने वाली इकाइयों की माप है। यह क्रांतर के अनुसार है और यह शेड्स के अनुसार है। अतः विनिमय दर को हम संक्षेप में कह सकते हैं कि विनिमय दर वह यह बताती है कि किसी देश की मुद्रा की एक इकाई के बदले में दूसरे देश की मुद्रा की कितनी इकाइयां मिल सकती है। अब हम बात करते हैं विनिमय दरों के विभिन्न प्रकार उनके बारे में। विनिमय दरों के विभिन्न प्रकार दरों के प्रकार टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट। इसमें हम सबसे पहला पॉइंट लेते हैं तात्कालिक विनिमय दर एवं अग्रिम विनिमय दर। तात्कालिक विनिमय दर एवं अग्रिम विनिमय दर। अग्रिम विनिमय दर का मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड।
स्पॉट एंड फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। पहले हम बात करते हैं तत्कालिक की। तत्कालिक दर को केबिल दर भी कहते हैं। तत्कालिक विनिमय दर को हम क्या कहते हैं? केबिल दर भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका? केबिल दर। क्योंकि विदेशी विनिमय का शीघ्र स्थानांतरण विदेशी बैंकों द्वारा तार का प्रयोग करके किया जा सकता है। इसी दर पर किया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? केबिल दर भी कहते हैं। तत्कालिक विनिमय दर देश की मुद्रा में वह मूल्य होता है जिसका भुगतान विदेशी मुद्रा की तत्काल प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार यह प्रचलित विनिमय दर है जो क्रय और विक्रय करने वाले व्यक्तियों के लिए अलग अलग रूप में व्यक्त की जाती है। अग्रिम विनिमय दर फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। अग्रिम विनिमय दर वह दर है जिस पर क्रय विक्रय का सौदा तो वर्तमान में कर लिया जाता है। सौदा किस पे किया जाता है? सौदा वर्तमान में किया जाता है। जिसकी अदायगी भविष्य में किसी निश्चित तिथि पर की जाती है। किसी निश्चित अवधि या तिथि पर की जाती है। इसके अंतर्गत एक मुद्रा का दूसरी मुद्रा में विनिमय भविष्य में किया जाता है, किंतु विनिमय दर सौदों के समय परिवर्तन वर्तमान में ही निश्चित कर दी जाती है। पॉइंट अनुकूल एवं प्रतिकूल विनिमय दर। फेवरेबल एंड अनफेवरेबल एक्सचेंज रेट। अनुकूल एवं प्रतिकूल विनिमय दरों को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। जब विनिमय दर को घरेलू मुद्रा में व्यक्त किया जाता है, जब विनिमय दर को घरेलू मुद्रा में व्यक्त किया जाता है, अर्थात अपने देश की मुद्रा में व्यक्त किया जाता है, तो कम होती हुई दर देश के लिए अनुकूल विनिमय दर और बढ़ती हुई विनिमय दर देश के लिए प्रतिकूल होगी। यानी कम होती हुई वो तो क्या होगी? अनुकूल। तथा बढ़ती हुई होगी वो क्या होगी? प्रतिकूल होगी। बढ़ती हुई क्या होगी? प्रतिकूल होगी। सेकंड, जब विनिमय दर को घरेलू मुद्रा में कहा जाता है, जब विनिमय दर को विदेशी मुद्रा में व्यक्त किया जाता है, पहले घरेलू था और अब क्या है? विदेशी है। जब विदेशी मुद्रा में व्यक्त किया जाता है, तब बढ़ती हुई विनिमय दर देश के लिए अनुकूल होगी। तब बढ़ती हुई यहां कम थी और यहां क्या हुई? बढ़ती हुई विनिमय दर देश के लिए क्या होगी? प्रतिकूल।
सतत घटती हुई विनिमय दर क्या होगी? अनुकूल होगी। यानी उल्टा होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि विदेशी विनिमय दर विदेशी मुद्रा में व्यक्त की जाती है, तब बढ़ती हुई विनिमय दर देश के लिए अनुकूल होगी और घटती हुई विनिमय दर देश के लिए प्रतिकूल होगी। यहां क्या था कि जब घरेलू मुद्रा अपने देश में व्यक्त की जाती है तब क्या होगा? विनिमय दर कम है तब क्या होगी? अनुकूल। और जब विनिमय दर बढ़ती हुई होगी तब प्रतिकूल, जबकि विदेशी मुद्रा में उल्टा होगा। अब हम बात करते हैं तीसरी पॉइंट, स्थिर एवं अस्थिर विनिमय दर। स्थिर एवं अस्थिर विनिमय स्थिर एवं अस्थिर अर्थात लोचपूर्ण। अस्थिर का मतलब लोचपूर्ण, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। स्थिर विनिमय दर वह दर है जिसमें परिवर्तन एक निश्चित सीमा तक ही हो सकता है। निश्चित स्थिर विनिमय दर में, स्थिर विनिमय दर में परिवर्तन एक निश्चित सीमा तक, स्थिर विनिमय दर में परिवर्तन एक निश्चित सीमा तक हो सकता है। जैसे श्रवण मार्ग के अंतर्गत विनिमय दर स्थिर होती है और इसमें परिवर्तन श्रवण बिंदुओं द्वारा निर्धारित एक सीमा के अंदर ही किया जाता है। लोचपूर्ण अर्थात अस्थिर, अस्थिर को हम दूसरा शब्द क्या कहते हैं? लोचपूर्ण। लोचपूर्ण, लोचपूर्ण विनिमय दर। लोचपूर्ण विनिमय दर वह दर है जिसमें मांग और पूर्ति की शक्तियों के फलस्वरूप परिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है? मांग एवं पूर्ति के आधार पर शक्तियों के फलस्वरूप यह परिवर्तन होता है। मांग एवं पूर्ति के आधार पर परिवर्तन होता है। तथा सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता, तथा इसका सरकार पर, सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं, सरकार की कंट्रोलिंग बाहर होती है, इस पर कोई किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है, नहीं होता। प्रोफेसर सेबुलेशन के अनुसार लोचपूर्ण विनिमय दरों की दरों को विद्युत वस्तुओं की मांग और पूर्ति अथवा पूंजी के प्रवाह द्वारा लोचपूर्ण ढंग से ऊपर या नीचे रखा जा सकता है।